बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू इंडस्ट्री में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में बीते 3 दशक से काम कर रही थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनका स्ट्रगल इतना आसान नहीं था। एक बार तब्बू ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ा था। एक्ट्रेस ने भी बताया कि इसी के चलते उन्हें एक बड़ी फिल्म से हाथ धोना पड़ा। बता दें, साल 2001 में फिल्म फेयर से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें आमिर खान की फिल्म मन से रिप्लेस कर दिया गया था। बता दें कि बाद में इस फिल्म में मायशा कोइराला ने काम किया। जब एक इंटरव्यू के दौरान तब्बू से इस बारे में पूछा गया तो एक्ट्रेस ने बताया, आमिर के साथ एक फिल्म करना पसंद करती, हमने मन के लिए एक फोटोशूट भी कराया था, मुझे पता था कि उसके बाद क्या हुआ, मुझे नहीं पता था कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, क्यों मेरे को इस फिल्म से निकाला गया। तब्बू ने कहा कि गोविंदा की फिल्म जोर तोड़ इस खेल का हिस्सा है, ऐसा हर हीरो के साथ होता है। उस समय ऐसी रिपोर्ट थी कि तब्बू को सिर्फ मन से ही नहीं बल्कि फिल्म कुआरा से भी रिप्लेस कर दिया गया था, जिसके बाद इस फिल्म में निर्मला को कास्ट किया गया। हालांकि तब्बू ने गोविंदा की इस फिल्म के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं, लेकिन इसका निचोड़ यही है कि एक्ट्रेस काफ़ी निराश और अपमान से गुजर चुके हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस ने कहा, मैं अपने जीवन में निराशा और अपमान से गुजरी हूँ, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। बता दें, फिल्म फना छोड़कर तब्बू और आमिर ने कभी एक साथ काम नहीं किया, वहीं तब्बू ने गोविंदा के साथ भी काम नहीं किया। बता दें, तब्बू अजय देवगन की हालिया फिल्म भोला में नजर आई, वहीं इससे पहले तब्बू अजय देवगन की फिल्म दृश्यम और दृश्यम 2 में नजर आई। बता दें, इस फिल्मों में तब्बू ने अच्छे से भूमिका निभाई, अपनी अच्छी कलाकारी से लोगों का मनोरंजन करती हुई तब्बू दिखाई।